हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SKIT इंडिया पर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक्सेल। एक्सेल के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक रिक्वेस्ट रहता है कि सर एक्सेल में कुछ बताइए कि एक्सेल में शीट कैसे बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सेल या टैली अकाउंट करके भी आसानी से जॉब ले लेते हैं। ठीक, अब जो जॉब उन्होंने ली है तो जॉब में तो ये काम रहता है सारा कि एक्सेल पे शीट बनाकर दिखाओ। अगर कहीं बॉल्स वगैरह में लगे हैं या कुछ भी है और वहाँ पर अगर एक्सेल यूज़ करवा दिया तो एक्सेल में वहाँ पर प्रोडक्ट शीट वगैरह बनवा कर देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कितने प्रोडक्ट हमारे सेल हो रहे हैं, मंथली के हिसाब से कितने सेल हो रहा है हमारे, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखिए आपके सामने एक टेबल बनाकर रखी है। ठीक, तो दोस्तों हमने शीट आपके सामने पहले ही बना रखी है देखिए एक्सेल की। तो आज शुरू करते हैं एक्सेल पर स्टार्ट। ठीक है, एक्सेल में अगर सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लिए अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या कोई एज अ जॉब के लिए पहुंचे हैं एज अ मॉल्स वगैरह में या कहीं भी एक थोक की शॉप्स होती हैं बड़ी बड़ी या एजेंसीज वगैरह होती हैं ऐसी जगह पर। ठीक, तो मैं उन्हीं के लिए एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट शीट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं एक। ठीक, कि आपके पास ये एक्सेल की शीट बना दी मैंने। ठीक, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक, स्प्रेडशीट बोलते हैं। अगर इस पर वर्क हो गया तो ये उसके बाद कहलाई जाती है फिर वर्कशीट। ठीक है, अब सपोज दैट मान लिया हमने वर्कशीट, ये हमारी एक्सेल की शीट तैयार हो गई। ये चीज मैंने आपको पहले भी शायद बताई है वीडियो में कि हमारे एक्सेल में वर्जन्स के हिसाब से अपडेट होते चले गए। कैसे करके? जैसे ये हमारे एक्सेल के ये कहलाते हैं कॉलम ABCDEFG, ये इस तरीके से जो नजर आ रहा है यही कहलाया जाता है कॉलम। और ये 1, 2, 3 वाले जो दिख रहा है आपको ये कहलाए जाते हैं रो, ये कहलाए जाते हैं कॉलम। ठीक, तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, आज फिर से आप एक बार दोहरा दे रहा हूं मैं कि एक्सेल 2003 वर्जन जो था, 3 वर्जन में कॉलम की संख्या थी 256 और रो की संख्या थी 65536। ठीक है, उसके बाद वर्जन चेंज हुआ, अपडेट आया एक्सेल 2007 2010, दोनों में सेम 2007 2010 दोनों में सेम है। उसमें कॉलम की संख्या है 2007 वर्जन में और 10 वर्जन में कॉलम की संख्या है 16384 और रो की संख्या है 1048576। ठीक है, अगर अपडेट वर्जन की बात करें तो लिब्रो ऑफिस जो आया, लिब्रो ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या घटा दी गई, कॉलम की संख्या कर दी है 1024 लेकिन रो की संख्या बराबर है 1048576 लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं हमारा एक्सेल 2007 चला रहे हैं, 7 में आपके बॉस ने मान लेते हैं बोला है कि 6 महीने की आप प्रोडक्ट शीट निकाल कर दिखाओ मुझे कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है। अब ये कॉलम संख्या आ गई, कॉलम आ गए नेम, देखिए हमने डाल दिया प्रोडक्ट। ठीक है, एक हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट, ये हमने प्रोडक्ट डाल दिया सोप पेस्ट राइस शुगर ऑयल एग्जाम्पल तौर पर। ठीक है, ये मंथ नेम आ गए जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून, कोई भी एक संख्या दे दे रहा है। सोप हमारा जनवरी में कितना पेटी बिका, सपोज दैट मान लेते हैं 70 पेटी बिका। ठीक है, फरवरी में कितना बिका भाई, फरवरी में 72 हो गया। मार्च में साबुन कितना बिका हमारा, ठीक है कोई सा साबुन मान लिया, अब एग्जाम्पल मार्च में हमारा साबुन बिक गया ये 80 हो गया, अप्रैल में 90 हो गया, मई में 100 हो गया, जून में 110 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आए थे पेस्ट हमारा कितना बिका, जनवरी में हमने मान लेते हैं 50 पेटी बिक गई हमारी। ठीक है, इसमें हमारी 55 हो गई, इधर 60 हो गई, इधर 65 हो गई, इधर 70 हो गई, इधर 75 हो गई। ये मैं एग्जाम्पल के लिए संख्या दे रहा हूँ। अब राइस के तो मॉल्स वगैरह से या बड़ी जगहों से तो पूरे पूरे कट्टे उठ के जाते हैं। ठीक है, अब वो उसके हिसाब से कैसे देखिए राइस, तो राइस का हमारा सपोज डेट मान लेते हैं जो एक कट्टा आता है 25 kg का आता है वो, तो वो कट्टे के हिसाब से जा रहे हैं तो लगभग मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 40 कट्टे उठे। ठीक, यहाँ 42 हो गए, यहाँ 45 हो गए, यहाँ 50 हो गए, यहाँ 52 हो गए, यहाँ 55 हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं शुगर। अब इसका क्या मान लो, या तो आप केजी के हिसाब से पैकेट मान लिए, एक एक केजी के 1-1 kg के पैकेट हमारे जा रहे हैं उस हिसाब से एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ 100 हो गए, 110 हो गए, 120, 130, 140, 150। अब आ जाते हैं ऑयल, ऑयल आप या तो कैन टाइप आती है, जार आते हैं 5-5 kg के,
या 1-1 केजी के पैकेट टाइप के कुछ होते हैं, तो आप इस तरीके से कुछ भी एग्जांपल ले लिए, क्या है जार मान लिए कि साहब हमारे 100 जार ही उठे, इसमें इसमें 110, इसमें 95, इसमें 80, इसमें 85, इसमें 100। हमने एग्जांपल तौर पर ये एक शीट तैयार कर ली है, ठीक है, एक्सेल की शीट तैयार कर ली है। अब हमसे ये पूछा गया कि बताइए जनवरी से लेकर जून तक ये 6 महीने में हमारा सोप यानी साबुन कितना बिका। अब पहला एग्जांपल कुछ मैंने देखे हैं, वो इस तरीके से एग्जांपल दे देते हैं इनको प्लस करने के लिए, इक्वल ब्रैकेट, इन संख्याओं को वो प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे ऐसे करके, 70 + 72 + 80 + 90 + 100 + 110, ब्रैकेट बंद और एंटर लगा देंगे। अब थोड़ी देर के लिए दोस्तों सोचिए कि आपने ऐसे करके किया अगर तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन टाइम कितना खर्च हो रहा है, सारी संख्याओं को आप लिख रहे हैं, अभी तो 6 महीने की शीट बनाई है, अब 12 महीने की शीट बनाएंगे दिसंबर तक, उसके बाद फिर एक ये तो 70 संख्या लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा होगा 1999, इतनी इतनी बड़ी संख्याएं आप कब तक लिखेंगे, इसलिए ये मेरे हिसाब से फेल है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ, देखिए इजी तरीका कौन सा है, यानी फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए ये हमारा रहा फॉर्मूला, इक्वल सम ब्रैकेट फर्स्ट सेल सेमी कॉलम लास्ट सेल ब्रैकेट वन, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ही हम काम करेंगे, ठीक, यानी ऐड करने के लिए फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूले पे ही पूरा एक्सेल का काम होता है, सम है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, एवरेज है, काउंट है, ठीक है। देखिए ऐड करने के लिए फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, इक्वल यहां से शुरुआत करते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट, ठीक है। अब बोला गया है कि जनवरी से लेकर जून तक कितना सौ बिका हमारा, तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें यह देखना है कि ये जनवरी जो है कौन से कॉलम नंबर पर है, तो जनवरी किस कॉलम पर है, बी पर, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, बी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट की बात चल रही है, सोप की बात चल रही है, सोप किस नंबर पर है, है सोप 3 नंबर पर, ठीक है, तो हम लिख देंगे 3, यहां पर लगा देंगे हम सेमी कॉलम, ठीक है। कहां तक बात चल रही है, जून तक पूछा है ना, तो हमें यह देखना है जून किस कॉलम पर है, जून है जी पर, तो हमें लिखना है यहां पर जी, ठीक है, जी पर है जून, और किस प्रोडक्ट की बात चल रही है, सोप की बात चल रही है, सोप किस नंबर पर है, 3 पर, तो आप कर देंगे G3 ब्रैकेट 1 एंटर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ऐड करने के लिए ये वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये फॉर्मूला निकालना है ऐड करने के लिए, वैल्यू को ऐड करने के लिए, समझ गए सर, एक बार और दोबारा देख लेते हैं, देखिए इक्वल सम ब्रैकेट, ये वाला देख लेते हैं, जनवरी से लेकर जून तक हमें यह निकालना है कि पेस्ट हमारा जनवरी से जून तक कितना बिका। अब देखिए कि जनवरी किस कॉलम पर है, बी पर, जनवरी बी पर है, ठीक है, पेस्ट का निकालना है हमें, पेस्ट किस रो नंबर पर है, 4 पर, तो आप लिख लिए B4 सेमी कॉलम, ठीक। कहां तक पूछा गया है, जून तक, जून किस पर है, जी पर, कॉलम नंबर जी है, ठीक। क्या पूछा गया है, पेस्ट, पेस्ट किस नंबर पर है, 4 पर, ब्रैकेट 1 एंटर, जैसे एंटर लगाएंगे पूरा आंसर आ जाएगा, इनको टोटल करके कितना आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम निकाल के दिखाते हैं आपको मैक्सिमम वैल्यू, देखिए अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हमें उसके लिए निकालना पड़ेगा इक्वल मैक्स ब्रैकेट, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पूरा मैक्सिमम नहीं लिखना है, सिर्फ इक्वल मैक्स लिखना है, बराबर मैक्स से, ठीक है। देखिए अब ये पूछा गया है कि बताओ जनवरी से जून तक सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये तो छोटी सी शीट है, ये तो आप देख के वैसे ही बता देंगे कि 110 है, ठीक। अगर बहुत बड़ी शीट हुई, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हुई, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, देखो कैसे लगाओगे,
इक्वल लगाया, मैक्स लगाया, ठीक है। फिर आपने लिखा, पूछा गया है जनवरी से जून तक, जनवरी किस पर है, बी पर, तो आप लिखते हैं बी, किसकी बात हो रही है, सोप की, सोप किस पर है, थ्री पर, बी थ्री सेमीकॉलन, ठीक। जून तक पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो जून किस पर है, जी पर, ठीक है। किसके बारे में बात चल रही है, पेस्ट की, पेस्ट किस पर है, सॉरी हाँ सोप की बात चल रही है, सोप किस पर है, थ्री पर, तो हमने कर दिया जी थ्री, ब्रैकेट वन एंटर, मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है 110, आंसर आ जाएगा 110, समझ गए, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, आपको ये नहीं लिखना है मिनिमम वैल्यू वगैरह कुछ, आपको सबसे कम वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखना है, ये करना है बराबर का साइन लगाना, इक्वल का या नहीं, और लिखना है एम आई एन मिन, बस मिन के बाद डायरेक्ट आपको ब्रैकेट लगा देना है, ठीक। अब वो पूछ रहा है कि बताइए पेस्ट, बताइए जनवरी से जून तक पेस्ट सबसे कम वैल्यू कौन सी है, अब ये छोटी शीट है तो आप देख के बता दोगे 50 है, 50 है सबसे कम वैल्यू, बड़ी शीट पे कैसे बताएंगे, इक्वल मिन क्या बताया है, पेस्ट, तो देखिए जनवरी से जून तक, जनवरी किस पर है, बी पर, बी, पेस्ट किस पर है, फोर पर, फोर सेमीकॉलन, जून तक पूछा गया है, जून कौन से कॉलम पर है, जी पर, जी, किसकी बात चल रही है, पेस्ट की, पेस्ट कौन से रो संख्या पर है, फोर पर, जी फोर, एंटर कर देंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 50 निकल कर, ये आ गई 50, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें टोटल सबका एवरेज निकालना है, औसत यानी, तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज, एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, देखिए इक्वल पूरा लिखना है, पूरा एवरेज और ब्रैकेट, इसकी पूरी एवरेज निकालना है, ऐसे आप किसी की भी निकाल सकते हैं, यहां तक किसी की भी निकाल सकते हैं, मैं एग्जांपल पर बता रहा हूं बार बार ऊपर का, ठीक है। सपोज दैट ऑयल का एवरेज निकालना है आपको, जनवरी से जून तक ऑयल का एवरेज निकालना है, तो आप देख लो जनवरी बी पर है, बी, ऑयल किस पर है, सेवन पर, बी सेवन सेमीकॉलन, ठीक है। जून किस पर है, जी पर, जी, ऑयल किस पर है, सेवन, जी सेवन, ब्रैकेट एंटर लगा देंगे, एवरेज निकल कर आ जाएगा, जो भी एवरेज आएगा, पॉइंट में भी आता है, डायरेक्ट भी पूरा पूरा भी आ सकता है, ठीक है। ये चार फॉर्मूले हो गए, एक लास्ट फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर आपको ये देखना है कि हमारे कितने सेल्स में, सेल्स भी बता दूं मैं आपको, अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं ए बी सी डी की, इस तरीके से चल रहे हैं तो ये कहलाए जाते हैं कॉलम, इस तरीके से चल रहे हैं तो ये कहलाए जाते हैं रो, और अगर आप किसी की भी बात कर रहे हैं तो वो कहलाया जाता है सेल, ठीक है। यानी कॉलम प्लस रो बराबर सेल, समझ गए, कि किसी की भी बात अगर चल रही है तो सेल की बात चल रही है। अब ये पूछा गया कि बताइए यहां से यहां तक टोटल सेल्स कितने हैं, यानी कितने सेल्स में संख्याएं लिखी गई हैं, काउंट करके बताओ। अभी तो आप काउंट कर दोगे, एक दो तीन चार पांच छह मिलकी, अगर शीट बहुत बड़ी हुई या शीट ऐसे ऐसे 1000 रो तक लिखी हुई है तो 1000 तक कैसे काउंट करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे काउंट, पूरा लिखोगे इक्वल काउंट ब्रैकेट, यहां से यहां तक सेल्स दिखना है हमें, कितने सेल्स में संख्याएं लिखी हैं, तो बी थ्री से लेकर जी थ्री तक, देखिए बी थ्री से जी थ्री एंटर, बताइए आंसर कितना आएगा, देखो एक दो तीन चार पांच छह, यानी छह सेल्स में संख्याएं लिखी हैं, आंसर आ जाएगा छह। अगर इसमें किसी में एक में संख्या नहीं लिखी होगी अगर, तो आंसर आएगा पांच, पांच में लिखी है संख्याएं, समझ गए। इस तरीके से सेल्स को काउंट करता है ये काउंट वाला फॉर्मूला। सपोज दैट आपने ये पांच सेल्स में संख्याएं लिखी और आपका एक आंसर आ रहा है 990, पांच का टोटल आ रहा है, लास्ट में आपने टोटल कर रखा है इधर साइड में, तो 990 आ रहा है। बाद में आपको याद आया कि एक सेल तो हमारा रह गया संख्या से, मार्च वाला तो रह गया, मार्च में हम संख्या बढ़ा दे रहे हैं 10, यहां टोटल हो रखा आपका साइड में एक तरफ 990, और आपने 10 संख्या और बढ़ा दी, उसके बाद जैसे 10 लिखकर आप एंटर लगाएंगे
तो ऑटोमेटिक यहां पर 10 प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1000। आपको आगे टोटल में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आप यहां पे कोई भी संख्या बढ़ाते हैं एंटर लगा देंगे, ऑटोमेटिक आगे की संख्या खुद बढ़ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू भी खुद बढ़ जाएगी, मिनिमम खुद बढ़ जाएगी, एवरेज भी खुद बढ़ जाएगा, और काउंट भी, वो तो काउंट में तो संख्या आपका सेल यही है तो काउंट तो वही रहेगा, ठीक है। आपको आगे वैल्यू ऐड करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे सपोज एड मैंने बढ़ा दिया 100 एंटर लगा दिया, तो जो ऐड वैल्यू है लास्ट में टोटल, वो ऑटोमेटिक खुद ही बढ़ जाएगी, वहां बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब एक और मेन क्वेश्चन देखिए, ये तो हमने सिंगल सिंगल कर लिए सर, अब अगर हमसे कोई कहता है कि पूरी शीट बताओ, टोटल पूरा टोटल बताओ, ठीक है, अब पूरा टोटल कैसे करोगे, देखो अगर हमसे पूछा गया कि सोप पेस्ट राइस शुगर ऑयल, ये सब के सब 6 के या 5 सब्जेक्ट, वो 5 प्रोडक्ट जो भी हैं, ये टोटल बताओ जनवरी से जून तक टोटल कितने बिके, तो टोटल के लिए क्या लगाएंगे हम, देखिए इक्वल ब्रैकेट B3, ये रहा B3, यहां लगाएंगे हम सम पहले, सम इक्वल B3 सेमीकोलन, कहां तक लगाना है, जी लास्ट वाला ये रहा जी सेल, B3 से लेकर G लास्ट वाला रहा 7, लास्ट 7 रहा, ठीक है, B3 से G7 कर देंगे एंटर लगा देंगे, टोटल का निकल कर आ जाएगा, टोटल कितना हमारा सारे प्रोडक्ट की सेल कितनी रही, ठीक है दोस्तों, समझ गए। ये बहुत बहुत छोटा एक्सेल का बस मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट तरीके मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, बाकी आगे आगे चलते रहेंगे, इसके बारे में और भी जिक्र करना आपसे बहुत सारी, अभी इसके बारे में और डिटेल बताना है, बहुत बातें करना है इसके बारे में, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहीं विराम लगा रहा हूँ अपनी वीडियो पर, और कहीं भी और भी कोई टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, फिलहाल तो आप एक्सेल बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है, और आपका इतना सारा प्यार जो मिल रहा है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें और लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करते रहें वीडियोज़ को, उनको भी बोलें सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, क्योंकि ये सभी के काम में आने वाली चीज़ है, कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐसा है कि आने वाला जो टाइम है वो सबको सीखना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इतनी हाई पहुंच रही है, ठीक है दोस्तों, तो आज का सब्जेक्ट हम यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एक्सेल वगैरह ये सब, ठीक, नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक पर लेकर आते हैं, तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं यहीं पर, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।